नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की। उपचुनाव की अग्नि परीक्षा में एक ओर जहां सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती यह उपचुनाव है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों का वर्चस्व बरकरार रखने के लिए उनके लिए भी ये किसी चुनौती से कम नहीं है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं दूसरी ओर मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह राजपुरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। करणवीर जी, जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे कि विपक्षी दल गठबंधन करके और चुनावी मैदान में जाएंगे, लोकसभा चुनाव में ये रणनीति काफी सफल रही थी और बीजेपी का स्कोर जो था, हैट्रिक बनाने के सपने थे, वो सपनों को आपने तोड़ा और लगभग आधी से सीटों पर आपने कब्जा करने की पूरी पूरी कोशिश की, 11 सीटें आपके खाते में गई। उपचुनाव है 7 सीटों पर, लेकिन गठबंधन नहीं कर पाए और इसका सीधा सीधा बेनिफिट बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। आशीष जी, जो लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस था, वो उस समय का स्ट्रेटेजिकल मूव था राजस्थान के लिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस पार्टी इंडिविजुअल रूप से इन 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आम जनता की आवाज़ को मजबूती से उठाने का काम करने वाली है। गठबंधन नहीं हुआ ये स्पष्ट हो चुका है, अब उन कारणों के बाद ऊपर और कभी चर्चा करेंगे, वर्तमान में हम चर्चा तो चुनावों में करनी पड़ेगी। करणवीर जी, जिस प्रकार से आरएलपी आपका सहयोगी दल रहा है लोकसभा चुनाव में और उसका बेनिफिट आपको मिला, भारतीय ट्राइबल पार्टी की बात करें, बाप की बात करें, ये सारे दल आपके साथ में रहे और आप चुनाव मैदान में गए, वहां पर आपको बेनिफिट मिला, विधानसभा चुनाव में ऐसी कौन सी बातें थी जो नहीं बन पाई सहमति, क्या कारण रहे, क्या यहाँ के मुद्दे अलग थे? आशीष जी, गठबंधन का जो फैसला है वो हाईकमान लेता है, जो कांग्रेस पार्टी का अग्रिम पंक्ति का जो संगठन है, दिल्ली से जो निर्देश मिले हैं उनके अनुसार वो गठबंधन की बात हुई थी इंडिया अलायंस के तहत। अब विधानसभा उपचुनाव के अंदर हमारा पहले भी चुनाव के अंदर जो नॉर्मल चुनाव थे, जनरल चुनाव थे, उस समय भी गठबंधन नहीं था और अभी के परिप्रेक्ष्य में भी तीनों पार्टियों के अंदर राय नहीं बन पाई, इंडिविजुअली वो अलग अलग लड़ रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी की जो 10 महीने का अन्यायकाल जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में वो लगातार फेल होते जा रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में महंगी बिजली, महंगाई, इन तमाम वादों पर जो भारतीय जनता पार्टी ने जुमलेबाजी करके सत्ता पे आसीन हुई थी, उन चीज़ों का पर्दाफाश करने के लिए कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता मैदान में जा रहा है, जनता से रूबरू हो रहा है, जनता से बात कर रहा है, जनता को याद दिला रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सस्ती बिजली का वादा किया था, किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने सस्ते गैस का, डीजल, पेट्रोल का वादा किया था, पानी का वादा किया था, इन सभी पे केवल और केवल सियासत के माध्यम से लगातार उन्होंने राजनीति करने का काम किया है और जनता को अंगूठा दिखाने का काम किया है। कहीं ना कहीं जनता भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इसका एक आपने छोटा सा सेमीफाइनल आपने लोकसभा चुनाव के अंदर देख लिया था और आने वाले समय में उपचुनाव के अंदर भी कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करके ये संदेश देने वाली है कि बीजेपी का जो 10 साल का अन्यायकाल है वो बहुत ही त्रस्त करने वाला है जनता को। बिल्कुल। साथ ही बात करें बागियों की, बागियों को मनाने में बीजेपी काफी हद तक सफल रही है, लेकिन कांग्रेस और बाप पार्टी को बागियों का खतरा है। असंतोष आशीष जी अवश्य रूप से कुछ सीटों पर उभर कर आया है, पर कोशिश की जा रही है, स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी भी दी जा रही है कि उन चीज़ों को मैनेज करे, वो कितना मैनेज हो पाएगा यह पूरी कोशिश करेगा वहाँ कांग्रेस संगठन कि उससे पार पाई जाए, उन जो ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि वोटों का हो उसको रोका जाने का सतत प्रयास कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मजबूती से कर रहे हैं। बिल्कुल, वो काम जो आपको करना था वो नामांकन वापस लेने से पहले करने का काम था जिसको अभी भी जारी रखा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इससे कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली जो उम्मीद है वो मेरे हिसाब से रखना बेमानी साबित होगा। सुमित जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से बागियों का जो खतरा है कांग्रेस को और अन्य दलों को, बागियों का खतरा सता रहा है और बीजेपी इस मामले में कहीं ना कहीं एक कदम आगे, बीजेपी का जो मैनेजमेंट है वो इस चुनाव में कहीं ना कहीं एक कदम आगे नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए कि बिल्कुल बीजेपी हमेशा ही एक कदम आगे रही है और आगे रहने के पीछे अगर कारण जाने तो निश्चित रूप से वो जनता के हित के लिए कार्य करने की योजनाएं और विकास को लेकर के हम जो आगे बढ़ रहे हैं और जो जैसा हमने मैनिफेस्टो में कहा और पूर्व में जब भी हमने जनता से घोषणा पत्र में या जो भी वादे किए उनको लगभग हम पूरा करते जा रहे हैं, इसलिए जनता हम पे विश्वास भी करती है। आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करें या इनके नेताओं की बात करें तो आप देखिए ये मनाने में असफल इसलिए रहे मुझे लगता है क्योंकि कांग्रेस पर किसी प्रकार का कार्यकर्ताओं का विश्वास है ही नहीं, कांग्रेस किसी प्रकार का कोई संगठन है ही नहीं, वहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है,
वहां कोई अनुशासन नहीं है। यहां कांग्रेस किसी प्रकार का, मैं समझता हूं कोई राजनीतिक पार्टियां जो छोटी पार्टियां थी उस प्रकार से आज बिल्कुल कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। इसके पीछे अगर कारण जानने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि परिवारवाद इनको सबसे बड़ा इसका कारण रहा है। और दूसरी बात, जैसा कि पूर्व का इतिहास उठा के देखें, चाहे वो राजस्थान की बात करें, चाहे देश की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, तो आप लगातार देख रहे हैं जैसा इन्होंने झूठ बोला जनता के साथ, जनता को गुमराह किया, झूठी जुमलेबाजी करी, फ्री की जुमलेबाजी करी, तो जब परिणाम जनता ने देखे तो निश्चित ही उन्होंने परिणाम देखा कि कांग्रेस हमेशा से झूठ बोलती आई है और लगातार झूठ बोल रही है, इसलिए जनता का विश्वास खत्म हो गया। और आप गठबंधन की बात कर रहे हैं आशीष जी, तो मैं बताता हूं कि बिल्कुल गठबंधन इनका सिर्फ विकास को रोकने के लिए होता है, जैसा कि अभी बोल रहे गठबंधन हमारा हुआ नहीं, ऊपर की पंक्ति, और लेकिन ये सब चीजें बहानेबाजियां हैं। आप देखिए कि इनके गठबंधन के नेता हनुमान बेनीवाल जी जो RLP से आते हैं, बिल्कुल उन्होंने अपने बयानों में और बिल्कुल जनता के सामने कहा था कि इनके जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा जी हैं, उन्होंने हमारा गठबंधन नहीं होने दिया, ऐसा उनका बयान था। तो यहां पर कई प्रकार के गठबंधन, मतलब इनका जो संगठन है उसमें भी कई प्रकार की टूट और फूट बिल्कुल नजर आ रही है। आप चाहे से एक गुट की बात करें सचिन पायलट गुट, एक तरफ की बात करें तो अशोक गहलोत जी वाला गुट, तीसरा गुट और राजस्थान में नजर आ रहा है आप देखिए डोडासरा जी गुट। तो ये पार्टी का अंदरूनी जो लड़ाई है, ये बड़े नेता ही एक नहीं है, तो जो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं हम 7 सीटों पर, तो लगातार ये लोग एक कैसे होंगे? बिल्कुल। दूसरी बात, इनको विश्वास खत्म होता जा रहा है कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस पर से ही बिल्कुल जनता का विश्वास तो होगा ही नहीं, मान लेते हैं। लेकिन जिस प्रकार से बगावत को मैनेज करने में बीजेपी सफल रही है और सत्ताधारी दल है, सत्ता है, सत्ता का जो पावर है उसका भी कहीं ना कहीं यूज इसमें जरूर हुआ होगा, लेकिन भीतरघात का डर कहीं ना कहीं बीजेपी को भी है। देवली उनियारा की बात करें तो यहां त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, हालांकि कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के बागी नरेश मीणा चुनावी मैदान में है और जब टिकट वितरण हो रहा था उससे पहले नमो नारायण मीणा का बयान भी काफी चर्चा में रहा था और नमो नारायण मीणा से आशीर्वाद लेने गए थे नरेश मीणा और नरेश मीणा ने नामांकन वापस नहीं लिया। ये भी एक कहीं ना कहीं कांग्रेस में अंदर खाने क्या चल रहा है, ये कहीं कहीं नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन विजय भैंसला की अगर बात करें तो अंदर खाने में उनके समर्थक कितना बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे, ये भी एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है। देखिए, कार्यकर्ता लीडरशिप जहां होती है कि जो सीनियर कार्यकर्ता होता है वो बड़ा नेता बनता है छोटे कार्यकर्ता से ही, चाहे वो बूथ स्तर से हो, फिर वो धीरे धीरे अपने कर्मों के आधार पर, निष्ठा के आधार पर वो बड़ा नेता बनता है। अब आप देखिए जब विजय बैसला जी की बात करें तो निश्चित रूप से यहां भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की बगावत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी ने बिल्कुल सभी को कहीं पर छोटा मोटा जो लग रहा था उनको सबको मना लिया। लेकिन कांग्रेस में निश्चित रूप से प्रत्यक्ष रूप से जो फूट का नजर आ रही है, आप देवली उनियारा की बात कर रहे थे, नरेश मीणा जी बिल्कुल डटे हुए हैं जो कि निश्चित रूप से कांग्रेस को लॉस देंगे और यहां हमारी निश्चित रूप से जीत होने वाली भारतीय जनता पार्टी की। और नमो नारायण मीणा जी और इन सभी लोगों को देखेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि ये लोग मतलब एक आपस में एक खींचतान और एक इस तरीके से इन्होंने गठबंधन एक अलग ही मतलब सिस्टम बना लिया है जो कि निश्चित रूप से कांग्रेस की हार को दर्शाती है। आप दौसा की बात करें तो अभी आपने देखा कि मुरारी लाल मीणा जी बिल्कुल चरित्र को दुहाई देते नजर आ रहे हैं कि हमारा चरित्र जो दोहरा नहीं है या हम किसी पार्टी में भीतरघात नहीं कर रहे, तो ऐसा बयान वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। तो मुरारी लाल मीणा जी की बात करें तो वहां पर उन्होंने वैसा बयान दे दिया। देवली उनियार की बात करें तो नरेश मीणा जी वहां पर हो गए। आप नमो नारायण जी मीणा जी लगातार उनके नामांकन में वो नहीं पहुंच पाए कांग्रेस के प्रत्याशी के में। उसके बाद आप झुंझुनू की बात करें तो उनके पूर्व नेता लाल डायरी वाले राजेंद्र गुड़ा जी आ गए। आप नागौर की बात करें तो आज नागौर के जिलाध्यक्ष और कई कार्यकर्ता, वहां के प्रधान और वहां के कई सीनियर कार्यकर्ता कांग्रेस के, जिन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है, आप ये सभी चीजें कांग्रेस का अविश्वास को दर्शाती है और भारतीय जनता पार्टी का विश्वास और प्रबल होता है और निश्चित रूप से जनता भी इस चीज को देख रही है। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा, जैसा कि हमारे आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि कांग्रेस का बिल्कुल दोहरा चरित्र जो है वो जनता के सामने आ गया है और धीरे धीरे जो कांग्रेस का जो पतन होता जा रहा है वो खत्म होता जा रहा है, वो उनकी नीतियों से होता जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस ने कभी देश के हित के लिए कभी विचार करना तो बहुत दूर उन्होंने विचार भी नहीं किया, अपने व्यक्तिगत और परिवारवाद के लिए वो हमेशा लगे रहे और उसके परिणाम इनको भोगने भी पड़े। आप राजस्थान की बात करें चाहे केंद्र की बात करें, लगातार आप देखेंगे तो कई सीटों पर, नागौर की बात करें, झुंझुनू की बात करें, आप 84 की बात करेंगे तो BAP का भी वहां पर बागी खड़ा हो गया। झुंझुनू की बात करें तो उनका लाल डायरी वाले नेता देवली उनियारा की बात, तमाम सीटें 7 में से 5
सीटों पर कांग्रेस का खुलकर के प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल इनका विरोध नजर आ रहा है, जनता को सब दिख रहा है। और दूसरे पहलू की बात करें तो बिल्कुल भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो 11 महीने निकले हैं, जैसा कि ये कह रहे थे सिलेंडर की बात, बिल्कुल 450 रुपए में हमने सिलेंडर दिया। इसके अलावा हमने वेट की दरें घटाने की बात करी थी, बिल्कुल पेट्रोल डीजल की वेट की दरें बिल्कुल घटी है। आप देखिए हमने किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 6,000 से 8,000 कर दिया है, जनता के खाते में पहुंच भी चुका है। इसी प्रकार राजस्थान की जो नई विकास की गति जो बनी है, आप राजस्थान को देखिए, ये बिजली की बात कर रहे थे, हम बिजली में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और बिल्कुल इस मार्ग को अपनाते हुए स्वयं जागृत करते हुए 2027 में राजस्थान बिजली में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। इन तमाम सभी तमाम चीजों को देखते हुए आशीष जी, हम आश्वस्त हैं, हम विश्वस्त हैं और जनता पे हमको विश्वास है। और जैसा कि पूर्व के अभी हरियाणा के चुनाव में उन्होंने बताया, निश्चित रूप से मुद्दों को लेकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटें जीतेगी, ये हमारा विश्वास है। बिल्कुल, मुझे दोसा का परिवारवाद समझाइए कि कौन है जगमोहन मीणा, क्या परिवारवाद है या नहीं, ये क्या जगमोहन मीणा जी की ये बात कर रहे हैं 2013 में आपको जानकारी नहीं है, 2013 में वो बीआरएस में आते थे, उसके बाद 2013 का विधानसभा चुनाव, 14 का लोकसभा चुनाव, 18 का विधानसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव, 23 का विधानसभा चुनाव, 24 का लोकसभा चुनाव निकल गए, 6 चुनाव निकल गए। अगर यहाँ परिवारवाद होता तो 6 चुनाव नहीं निकलते, लेकिन ये जिसकी जैसी मानसिकता होती है वो उसी प्रकार के मन से भाव निकलते हैं। कांग्रेस की शुरू से मानसिकता इसी प्रकार से रही है, खुद के परिवार को फला फूलना आप परिवारवाद के लिए। अभी आपने देखा कि एक देश के टुकड़े करने में अगर सहयोग रहा है तो कांग्रेस का रहा है। अभी ये कांग्रेस बिल्कुल जम्मू कश्मीर के चुनाव में लगातार ये कहते थे आपका अधिकार दूसरों को दे दिया, अरे भाई जो भारत के समस्त राज्य वो दूसरे हैं क्या? इनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि राजस्थान में नहीं संपूर्ण राज्य में आने वाले महाराष्ट्र में झारखंड में हम विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस हारेगी। ये अपने कुल्हाड़ी खुद के पैर पर मार रहे हैं, इसका कारण क्योंकि ये अपनी आंखों से बाज नहीं आते, ये परिवारवाद से बाज नहीं आते, हम विकास की बात करते हैं और जैसा कहते हैं वो पूरा भी करते हैं। इसी को लेकर के जनता आश्वस्त है और 2024 के इन 7 सीटों पर, ठीक है, इसलिए विश्वस्तता के साथ में हम भारतीय जनता पार्टी विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से भजनलाल जी के नेतृत्व में हम 7 सीटें बिल्कुल मदन राठौड़ जी ने जैसा कहा हम निश्चित रूप से जीतेंगे। जी जिस प्रकार से चर्चा कर रहे थे अपन, 7 सीटों पर प्रदेश में उपचुनाव है, 7 में से 4 सीटें कांग्रेस के पास में, तो वहीं 2 विपक्षी दल आरएलपी और बीएपी दोनों के पास में 1-1 सीटें थी, 6 सीटें विपक्षी दलों के पास में, सत्ताधारी दल के पास में 1 सीट थी। इस चुनाव में अगर बीजेपी उस 1 सीट से बढ़ाकर के 1 सीट भी और लाती है तो मैं समझता हूं कि बीजेपी का विधानसभा में वर्चस्व बढ़ने वाला है और ये बीजेपी की जीत होगी, क्योंकि 4 सीटें आपकी थी उनमें से अधिकांश सांसद बने हैं और सांसद के वर्चस्व वाले इलाके में अगर सीट बीजेपी ले जाती है तो आपके लिए बड़ी चुनौती है। और मैं समझता हूं कि ये चुनाव 7 में से 6 सीटें विपक्षी दलों के पास में है, विपक्षी दलों की प्रतिष्ठा का सवाल ज्यादा है। आशीष जी आप शायद किस तरह से आकलन कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, जो सरकार पिछले 10 महीने पहले इस राजस्थान के अंदर आई है चुन के, वो 10 महीने बाद ही अगर एक भी उपचुनाव अगर हार जाती है तो सरकार की विफलता ही है, जनता ने उसको नकार दिया है, उसके शासन को नकार दिया है। कि कारण क्या है, इन्होंने कहा रोजगार की बात, आप देखिए इन्होंने रोजगार के साथ चोरी की, जो राजस्थान के अंदर इन्होंने प्रमाण पत्र जारी किए हैं वो कांग्रेस के जमाने के थे, उनको अपना नया लेवल देके उनको जारी कर दिया। इसके अलावा समग्र शिक्षा विभाग के अंदर 1,362 पदों की भर्ती जो जिसका एग्जाम हो चुके हैं उसका रिजल्ट शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मात्र अपने आदमियों को एडजस्ट करने के लिए पिछले 3 महीने से रोक रखा है। तो इस तरह के तमाम तरह के मामले हैं जो शिक्षा के अंदर भी है, मान लीजिए बेरोजगार रोजगार के मामले में इन्होंने लगातार राजस्थान की जनता को ठगने का काम किया है। विदेश यात्राओं पर 40 करोड़ का खर्चा कर चुके हैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी, विदेश यात्राएं अगर 10 महीनों में देखो आप तो कितनी कर चुके हैं, अगर कोई इनसे पूछ ले हिसाब बताइए कितने युवाओं को रोजगार दिया है आपने, कौन से एमओयू साइन किए हैं कि वो सिवाय हनीमून बनाने के और विदेशी यात्राएं करने के आपने किया क्या है, राजस्थानी जनता आपसे ये जानना चाहती है। अगर एक भी सीट पे भारतीय जनता पार्टी
लूज करती है तो ये सरकार की नाकामी है, सरकार की विफलता है। नहीं, वो सीटें तो आपके खाते में थी, वो सीटें तो आपके खाते में थी, वहां पर आपका वर्चस्व, आपकी पार्टी उन सीटों पर काबिज थी और आपके वो नेता सांसद बन चुके हैं, उनका कद बढ़ चुका है और यहां पर अगर सीट लूज करते हैं तो आपके लिए भी बड़ी चुनौती। जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां कांग्रेस पार्टी का सांसद चुने गए हैं, जनता ने उनको आशीर्वाद देकर दिल्ली की भेजा है, बताया है, मैसेज दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि आपके द्वारा किए गए झूठे जुमले वादे ना किसान को स्वीकार है ना युवाओं को स्वीकार है। क्लीन स्वीप आपको करना चाहिए ना, बीजेपी को एक भी सीट नहीं देनी चाहिए, क्लीन स्वीप तो आपको करना चाहिए। होगा आशीष जी, क्लीन स्वीप होगा, निश्चित रहिए। राजस्थान की जनता 10 महीने का हिसाब, पाई पाई का हिसाब वोट की चोट से लेने वाली। सुमित जी आप देखिए कि जैसा कि बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि एक भी सीट, तो इनका आत्मविश्वास यहीं पर बिल्कुल दर्शा देता है राजस्थान के लिए कि एक सीट के लिए बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि एक सीट भी हम इनके लिए नहीं छोड़े। बिल्कुल निश्चित रूप से हम एक सीट भी इनके लिए नहीं छोड़ने वाले, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस यहीं पर दिख रहा है कि राजस्थान में जो, और मैं ये निवेदन कर रहा हूं और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है और जनता को भी विश्वास है कि ये जो जीत होने वाली है 7 सीटों पर भाजपा की, वो पिछले 11 महीने में भजनलाल जी द्वारा किए गए विकास कार्यो को लेकर के होगी। अभी ये बिजली, बिल्कुल मैं वही बता रहा हूं, बिल्कुल अभी राइजिंग राजस्थान में जो 15 लाख करोड़ का जो रोजगार मिले, बिल्कुल वही बता रहा हूं, 15 लाख करोड़ का जो एमओयू हुआ है, साइन हुए हैं, उसमें से 2.24 सवा 2 लाख करोड़ का कार्य सिर्फ बिजली के लिए हुआ है। एमओयू हुआ है तो आपका रेट की दरें हमने बिल्कुल गिरा करके, पत्र भी लेके आए, बिल्कुल 2-2 रुपए पेट्रोल डीजल पर 2% की दरें घटा दी गई है। हमने किसान सम्मान निधि में 6,000-8,000 की बात करी थी, तुलना करने वाले प्रधानमंत्री डालने वाले, आप समझिए, अशोक गहलोत जी ने पिछले पांच सालों में राजस्थान को उस गर्त में ला के रख दिया था। आप कह रहे हैं हरियाणा की गर्त में लाना है, बिल्कुल उसकी जगह आयुष्मान भारत योजना, बिल्कुल देखिए वही आप ये बताइए कि ज्यादातर डायलिसिस जैसी, बिल्कुल 5 लाख तक का इलाज हो रहा है, 70 वर्ष से ऊपर 25 लाख रुपए तक का इलाज, बिल्कुल राजस्थान में आज भी मुफ्त मिल रहा है और उसी का परिणाम राजस्थान की जनता ने दिया। तो अगर आपकी योजनाएं अगर सफल होती, हाँ बिल्कुल, अगर आपकी योजनाएं सफल होती आपको मिल रहा है, राजस्थान की जनता 2023 में कांग्रेस को जनता बाहर नहीं करती, भारत योजना का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसके विकास की और सच्चाई की ये बात पर वोट देकर के जनता ने विश्वास जताया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, विकास को लेकर के आगे बढ़ने वाली पार्टी है, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली योजनाओं को देने वाली पार्टी है, इसी को लेकर के जनता का धन्यवाद है कि 2023 में 24 में और वर्तमान में हरियाणा में हमको सहयोग दिया, वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सत्ता में आई और निश्चित रूप से आशीर्वाद से जनता का विकास भी होगा, उनके कार्य भी होंगे। राजपुरा जी, झूठ बोलने से काम नहीं चलता, कांग्रेस में आज किसी प्रकार का संगठन बचा ही नहीं है, झूठ राहुल गांधी जी बोल बोल के संपूर्ण देश में झूठ पाखंड के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जैसे, जिन्होंने 11 महीने में राजस्थान की सकारात्मकता की ओर बिल्कुल तस्वीर बदल दी, आज चाहे किसी भी विधानसभा को उठा के देख लीजिए, ऐसे करने से अनुशासनहीनता करने से कार्य नहीं चलता, अनुशासनहीनता से कार्य नहीं चलता। आरएसएस की बात कर रहे हैं, वो तो स्वयं जगाने में लग रहे हैं और आप देखिए यहाँ परिवार बात नहीं है, यहाँ स्वयं सेवक, एकमात्र स्वयं सेवक जो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गए, एक बूथ अध्यक्ष, बूथ स्तर का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन गए, ऐसे विकास के कार्य जब होंगे, जब कार्य होंगे, आप झूठ बोलने से काम नहीं चलता। राजेंद्र अनुशासनहीनता कर रहे हैं आशीष जी, से जब इनका टर्म आता है तो बिल्कुल के पास इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपके चैनल के माध्यम से यही क्लियर होता है। कौन है आप देखिए लगातार झूठ झूठ झूठ, लेकिन हम विकास को लेकर लेकिन 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 करणवीर जी, चाहे वो बागी होकर के चुनाव लड़े होंगे
ठीक है, लेकिन मना लिया चुनाव से पहले, मना लिया जैसे जिस प्रकार से पार्टी ज्वाइन करवाई जाती है, इनके बागी नहीं बन रहे। आप ये बताइए बागी कारण है भाई, उनका विश्वास खत्म हो चुका है, जनता का तो खत्म ही हो गया, कांग्रेस के नेताओं का भी विश्वास खत्म हो चुका है। तभी तो करणवीर जी आज 100 व्यक्तियों के साथ में आपके जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, और हमारे रेवंत राम बिल्कुल यशस्वी कौन से संगठन माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी उन सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करती है जो विकास के पथ पर चलना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस विकास के पथ पर नहीं सिर्फ परिवारवाद और परिवार को भरण पोषण के लिए कार्य करना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक छोटा सा कार्यकर्ता की भी वही सोच है, और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी की भी वही सोच है, क्योंकि हम विकास चाहते हैं, हम यहाँ सभी प्रकार की समस्याओं का निपटारा चाहते हैं, कांग्रेस नहीं चाहती। तभी तो कांग्रेस के इतने नेता आज नागौर में भारतीय जनता पार्टी में आ गए, बीजेपी वाले तो नहीं गए, डायलिसिस मशीन है, ये झूठ बोलने से काम नहीं चलता। हम भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विकास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जैसा हम कहते हैं वैसा करते हैं, इनके झूठ बोलने से काम नहीं चलता। और पूत का पग, वो एक राजस्थान में कहावत है, पूत का पग पालना दीक्षा हो, तो बिल्कुल पूत के पग पालने दिख गए, नागौर में दिख गए, और इनके चार जगह इनके बागी इनसे समझ में नहीं आ रहे। इनके बड़े नेता जब इनसे प्रश्न किया जाता है तो ये पूछते हैं, बड़े नेता आकर के बताएंगे, अरे भाई यहीं पर तीन टुकड़े हो रहे हैं राजस्थान में, सचिन पायलट गुट, अशोक गहलोत गुट, और अब तीसरा गुट गोविंद सिंह डोडासरा गुट। अरे इन गुटों को तो संभाल लीजिए, ठीक है, जवाब ले लेते, क्या सत्ता चला, जवाब ले लेते करणवीर जी से, जवाब ले लेते करणवीर जी, जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है गुटबाजी में ये पार्टी बटी हुई है, क्या कहेंगे? संगठन और गुटबाजी की भारतीय जनता पार्टी को बात करनी ही नहीं चाहिए। लगातार आप और हम देख चुके हैं कि इनके पिछले से 4-6 महीने से तो इनके किरोड़ीलाल मीणा जी लगातार इस्तीफा लेकर घूम रहे हैं, लाल डायरी वाले नेता यार, सुन तो लीजिए बात, अब जगमोहन मीणा जी को, जगमोहन मीणा जी के भाई को टिकट दे दी, आपके खिलाफ लड़ने लगे हैं, किरोड़ीलाल मीणा की भवानी जागी है, उनका इस्तीफा मेरे अधिकारी नहीं मानते, बीएपी के नेता इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, इनके नेता दुहाई दे रहे हैं कि हम दोगला चरित्र नहीं है। अरे तो ये भाई बाबू कौन है, सुखवंत सिंह क्या लड़ रहे हैं, रेवंत राम खिलाफ लड़ रहे उनके खिलाफ है, ये भी तो लड़ रहे हैं सुमित जी, ये भी तो लड़ रहे हैं उनके खिलाफ, बिल्कुल सभी सीटों पर जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी ये लड़ रहे हैं, इनके खिलाफ वो लड़ रहे हैं, तो यही तो बीजेपी को एक एडवांटेज मिलता हुआ नजर आ रहा है। करणवीर जी, क्या सत्ताधारी दल होने का बेनिफिट बीजेपी उठा रही है? सरकार अगर सत्ता में होती है तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी ये काम करने में माहिर है, चाहे वो लोकसभा चुनाव के अंदर देख लीजिए, चाहे राज्य के चुनाव के अंदर देख लीजिए, राजस्थान के अंदर देख लीजिए, लगातार इस तरह के काम करेंगे। और जब जिस तरह से आज खींवसर के अंदर दुलीप सिंह जी को मना के लेके गए हैं, एक बात बताइए, जो व्यक्ति 3 दिन पहले कांग्रेस की टिकट मांग रहा है आज वो इनके मंच पे मंच का संचालन कर रहा है, ये संगठन की बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस खींवसर से लगातार टिकट मांग रहे हैं, धनंजय सिंह खींवसर, जो गजेंद्र सिंह खींवसर के पुत्र है, वो अपना नॉमिनेशन वापस लेते हैं, तो है कहा इनके पास संगठन? राजेंद्र भामू कौन है, पिछले चुनाव के अंदर 60,000 वोट लिए गए थे, बीजेपी को तीसरे नंबर पर ले जाने का काम उन्होंने किया था। सुखवंत सिंह कौन है, रामगंज के अंदर आपकी जमानत जब्त हो चुकी थी, वो सुखवंत सिंह को आपने टिकट दिए, तो संगठन आपके पास नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं आपने पिछले बार के बागियों को इस बार टिकट दे दी, सबसे बड़ा संगठन, सुन तो लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनाना, अरे मिस कॉल मार के संगठन बनाने वाली पार्टी, संगठन की बात ना करें, तो ये अच्छे हैं। वसुंधरा राजे जी की नाराजगी हमको पता है, राजेंद्र राठौड़ को आपने किस तरीके से ठिकाने लगा दिया वो सबको पता है, ये संगठन और उसकी बात कर रहे हैं, सब झूठ। अब आप देखिए झुंझुनू के अंदर लगातार राजेंद्र राठौड़ जी का नाम चला रखा था पहले, अब राजेंद्र राठौड़ जी कहां है इस चुनाव में, कहीं देखा क्या आपने? अगर देखे तो हमें भी बताना कि जो विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता हुआ करते थे राजेंद्र राठौड़ जी, राजस्थान में है भी या नहीं, सतीश पूनिया है भी या नहीं, ये संगठन गुट की बाजी बात करें, अपने यहाँ की बात करें नहीं, अपने हरियाणा के प्रभारी होने के नाते उन्होंने हरियाणा में अपना वर्चस्व दिखाया, क्या वर्चस्व दिखाया, क्या किया वो सबके सामने है, सबके सामने की सरकार बनी। चलिए समय की सीमा है, आप दोनों से मैं जानना चाहूंगा, 7-7 सीटों पर चुनाव है, और इस उपचुनाव में अग्नि परीक्षा है, एक और जहां विपक्षी दलों के लिए चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी दल के लिए भी ये बड़ी चुनौती है, तो करणवीर जी क्या कहेंगे 7 सीटों को लेकर के? इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी बिजली, शिक्षा, चिकित्सा,
महिला अपराध इन सभी मामलों को लेकर जनता के बीच जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का चेहरे को बेनकाब करने का पूरा प्रयास करेगी। सफलता मिलेगी? मिलेगी, 100% जनता के बीच जाएंगे, जनता तय करेगी और इनको आईना दिखाएगी। ये काम लोकसभा के अंदर भी किया था और लगातार झूठ, ज्यादा दिन चलता नहीं है ना आशीष जी, अगर इन्होंने लगातार झूठ का महल बनाया है, उस झूठ के महल को धराशायी करने का समय आ चुका है और जनता आईना लेके तैयार खड़ी है कि आपका झूठ ज्यादा लंबा चलना वाला नहीं है। जो आगामी 4 साल है उसके अंदर काम कीजिए, काम का हिसाब भी लिया जाएगा। चलिए सुमित जी, जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आईना दिखाने के लिए जनता तैयार है, संक्षेप में मैं चाहूंगा आपसे, 7 सीटों पर बीजेपी क्या करने वाली है? देखिए, 7 सीटों पर बिल्कुल हम विकास को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जैसा कि भी कह रहे थे कि टिकट देने में और मनाने में, मैं समझता हूँ या तो कांग्रेस को जो इनके बागी मान नहीं रहे, या तो उनको टिकट देने देना चाहिए था, टिकट नहीं दिए तो वो मनाने में सफल होते, लेकिन कांग्रेस तो दोनों जगह फेल हो गई। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निश्चित रूप से जिन कार्यकर्ताओं को, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट भी दिया, और कुछ लोग जो बिल्कुल सभी के मन में होता है टिकट लेने की भावना, लेकिन वो सब लोग मान भी गए। संगठन बिल्कुल रूप से भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और निश्चित रूप से इसका बेनिफिट हमको मिलेगा भी। और कांग्रेस की जो टूट फूट है और इनका जो गठबंधन था पूर्व में, उसमें जो टूट हुई है और तीन प्रकार से यहां जो गुट देखे जा रहे हैं, ये सभी तमाम बड़े मुद्दों को कांग्रेस जो नेगेटिविटी लेकर के चल रही है, और पूर्व में जैसे कि चाहे वो नेशनल मुद्दों को देख लीजिए, इनके बड़े नेता जिनको बोलते हैं राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, जो लगातार झूठ बोलते आ रहे थे, जनता बिल्कुल बेनकाब हो चुकी है। आईना तो निश्चित रूप से जनता ने 2023 और 24 में कांग्रेस को दिखा दिया था, ये कांग्रेस के प्रवक्ता भूल गए, लेकिन 2024 के इस उपचुनाव में भी जनता इनको आईना दिखा रही है और जनता के साथ इनके खुद के नेता ही इनको आईना दिखा रहे हैं। जब ही तो दामन छोड़कर कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का लगातार दामन थाम। चलिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह राजपुरा जी और बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी, आप दोनों चर्चा में शामिल हुए, दोनों ने अपनी अपनी बात रखी है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले उपचुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी जहां इस बात को लेकर के उत्साहित है कि उन्होंने बागियों को मना लिया है, लेकिन असली अग्नि परीक्षा जनता के बीच होने वाली है। क्या जनता को मनाने में बीजेपी कामयाब हो पाती है या फिर विपक्ष अपना वर्चस्व बरकरार रखता है? आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।